एवरीवन नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ गाँव एक्चुअली आपको थंबनेल देख के पता लगी क्या होगा हम चाची के घर पे जगराता है तो इसलिए चाची ने हमें इनवाइट किया है और हमारी फैमिली है तो सब सबको इन्वाइट किया है इसलिए मैं भी जा रही हूँ और भैया के साथ जा रही हूँ मैं बड़े भैया भाभी वगैरह के साथ तो अभी तो मैं खाना खा लेती हूँ मुझे यार बहुत ही तेज़ भूख लगी है सच में और ना मैंने खाना भी नहीं खाया मैं तैयार हुई मैंने कपड़े धोए और उसे सुबह से लगी हुई हूँ मैं चलो मैं खाना खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट से फिर आपसे बात करती तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ घर और मेरा बैग अभी ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि भैया ऊपर आ, आ चुके हैं तो चलो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे पास एक बैग है और एक छोटा वाला बैग है और बस और कुछ भी नहीं है तो चलो अब चलते हैं तो अब भैया तो मुझे मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं गांव की ओर और, और आज बहुत ही अच्छी धूप लगी आजकल सिर्फ पंद्रह बीस दिन का ये मौसम साफ बताया गया उसके बाद फिर से मौसम मौसम ख़राब हो जाएगा तो अब चलते हैं हम और फाइनली ब्रिज बन चुका है और अब हम वहीं वाले रास्ते से जाएंगे जिससे हम गाँव जाते हैं यहाँ है भैया हेलो भैया तो चलो अब चलते हैं यहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है तो अब हम यहाँ पर फ्रूट्स ले रहे हैं घनाटी में और भैया चाचू से बात कर रहे थे चाचू ने फ्रूट्स मंगवाए थे और अब हम यहाँ से फ्रूट्स ले जा रहे हैं पांच प्रकार के फ्रूट और ये मैं हूँ यहाँ पर मैं आपको दुकान बता रही हूँ और मैंने क्या करना था और यहाँ पर अब फ्रूट्स तो ले लिए हमने अब टोटल कर रहे हैं कि कितना हिसाब किताब हुआ और मुझे कुछ और काम नहीं था इसलिए मैं कैमरा पकड़ के बस कैमरा घुमाए जा रही थी अरे परे तो चलो अब चलते हैं घनाटी से तो अब हमने फ्रूट्स ले लिया और अब हम गनाटी से निकलने वाले हैं अभी हम निकले नहीं हैं गाड़ी सीट बेल्ट लगा रहे हैं और भैया तो अब चलो आज बहुत अच्छी धूप है मुझे तो गर्मी लग रही है तो फाइनली ये पुल बन चुका है ये ब्रिज जैसा बनाया है आपको पता ही है गंडल के पास यहाँ पर सड़क गिर गई थी और बहुत जल्दी इन्होंने काम किया था हिमाचली सरकार बहुत अच्छी है और आप देख सकते हो व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जब आप पुल देखोगे ना ये ब्रिज भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कमाल का इतने कम टाइम में इतना अच्छा इन्होंने पुल बनाया है यहाँ से और आप सिर्फ बताओ कि आपको ये पुल और ये ब्रिज कैसा लगा पुल और ब्रिज तो चलो एक ही बात में कई बार कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देती हूँ आप व्यू इन्जॉय करो एंड देट इट तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इतना सारा सामान है अभी हम पार्किंग के पास ही है तो अब हम पहुंच चुके हैं और सामान है बहुत ज़्यादा हमारे पास मेरे पास और भैया के पास देखते हैं कैसे ले जाएंगे हम तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेंट लगा है मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए पहचान ये कौन है यहाँ पर ये है मेरे चाचू जी और चाचू शो ऑफ कर रहे थे अपने सोने की बालियों की देखो मैं कैसा लग रहा हूँ गिफ्ट चाची नहीं दी <laughs> बोलते हाँ हाँ चाची ने दी तो चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं चाचू से है यहाँ पर और आप लोग बोल रहे थे ये मेरी चाचू जी है इनको तो आप जानते हो चाचा जीतने तो अभी बन रही है धाम धाम की तैयारियां हो रही है टेंट ऑलमोस्ट लग चुका है अभी बस शाम के टाइम जागरण का सामान आएगा माता रानी का दरबार में माता रानी का दरबार लगेगा और इतना सारा सामान आ गया है अच्छे से टेंट लग चुका है और ये देखिए अंदर गद्दे भी आ गए हैं जो जो बचाते हैं चेयर्स वगैरह और ये हमारा घर है और यहाँ बैठे हैं चाचू ये देखिए टेंट कुछ इस तरीके का है बहुत ही अच्छा लग रहा है ना अभी शाम को देखना है, जब कितना अच्छा लगेगा शाम को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा हेलो मम्मी हेलो मम्मी आपको घर से क्यों निकाला गया है मम्मी आउट ऑफ किचन हो गए हैं मम्मी आपको ना सब लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी बहुत ही ज्यादा शरीफ है आपको मिस कर रहे थे लोग सब बाय क्यों हाय तो कर दो पहले मम्मी <laughs> so, ने आती काम बता दी क्या करूं दूध काम तो क्या है करना तो पड़ेगा ही अब बाहर ज़्यादा काम हो रहा है बड़ेगी ना सब्जियाँ तो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या बनाया गया है आज कैसे कैसे खाए खाएँगे हम जो मैं तैयार हूँ आज तो बड़े दो दिनों का हम दाग बनाऊँगे अच्छे से ठीक <laughs> है तो चलो फटाफट से मैं दूध गर्म कर लेती हूँ सबसे पहले तो और मम्मी आउट ऑफ किचन हो चुके हैं और मुझे इसीलिए आना पड़ा है तो मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे चाची ने बुलाया था जगराते में बट अब थोड़ा सा फिर मम्मी को ऐसा होगा कि मैं यार आ जा तो फिर फिर मैंने मैं चलो जब दो दो मम्मियाँ बोल रही तो चलो आगे जा चलते हैं गाँव को चलो मैं दूध गर्म कर लेती हूँ फटाफट से, से यहाँ पर उसके बाद आपसे मिलती हूँ ठीक है और यहाँ पर मम्मी ने सिटिंग के लिए चेयर्स लगाई हैं मेहमानों के लिए क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आएंगे आज थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी अभी उठी हूँ मैं और बाहर धाम बन चुकी है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे जागरण की धाम बनती है और किस तरीके से लोग खाते हैं सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो चलो सबसे पहले तो मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ तो मुझे लगा था कि धाम बन चुकी है बट धाम अभी नहीं बनी है अभी बन रही है और यहाँ पर बन रही है धाम जहाँ पर हमारा पहले नहीं बनी थी वहीं पर बन रही है और अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि दूध गर्म करने के लिए था आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं गाँव का दूध पीऊँगी मतलब कि शुद्ध गाय का दूध पीऊँगी मैं शुद्ध दूध पीऊँगी शुद्ध गाय तो शुद्ध ही होती है और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ बर्तन धो रही हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना किचन यार मुझे बताना कमेंट में किस किस को मेरा किचन पसंद है मैंने ना पता क्या किया था मम्मा बोलती कि छू छनी से छान के डालते हैं दूध को और मैं अच्छे से छन्नी में डाल के क्योंकि यार काम तो करना ही है अभी अभी जोत लाने के लिए गए हैं मंदिर में चाचू वगैरह फिर उसके बाद तो तो जागरण की तैयारी करेंगे अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ मुझे तैयार भी होना है फटाफट से क्योंकि सुबह की आई हुई हूँ मैं और थोड़ी देर आराम भी किया मैंने और ये देखिए आप पहले तो दूध देख लो आप गायों का गाय का शुद्ध शुद्ध दूध उसको पीऊँगी मैं आह उबल रहा है अभी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रों में पूजा करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शिमला में भी मैं करती हूँ यहाँ पर भी मैं कर रही हूँ और मैं पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले तो अभी मैं क्या कर रही हूँ अभी मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि अभी ज्योत लाने गए हैं जागरण के लिए हमारी कुल देवी के पास और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने मंदिर में गांव वाले मंदिर में और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी खाना बन रहा है अभी बनी बनाई नहीं है तो तब से खाना काफ़ी टाइम है यार धाम बनाने के लिए तो अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती ये यह देखो यहाँ पर मम्मी ने जौ जमाया है ये देखिए नवरात्रों में करते हैं ऐसा कल इसको प्रवाहित कर देंगे तो अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती उसके बाद मुझे तैयार भी होना है जो मैं कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगी तो अब मैंने पूजा कर ली है आप भी ज्योत ले लीजिए और नवरात्रों में कुछ इसी तरीके से गांव में पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूजा करते हैं हम लोग और ये है हमारी कुलजा माता बनिया देवी माता यहीं से ही नव जो हमारी जगराते की ज्योत है वो यहीं से ही आएगी और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बना है आज ये देखिए ये टोकड़ियाँ होती हैं मतलब इसमें ही बनता है खाना कोई भी फंक्शन हो छोटा हो बड़ा हो इसी में ही खाना बनता है और ये कढ़ाई देखो कितनी बड़ी कढ़ाई लगाई है ऐसे सब्जियां बनती है और इसमें धोते रहते हैं गर्म पानी से अब हम भाभी के लिए खाना ले जा रहे थे पार और मीठा भी बना देखो पतीले में कितना सारा मीठा है और ये डब्बे डब्बे ले जा रही हूँ मैं भाभी के लिए पार और यहाँ पर हमारे गांव वाले, वाले खाने के लिए आ रहे हैं हमारे रिलेटिव्स खाने के लिए आ रहे हैं दूसरे अरले पर ले गाँव वाले खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे गांव वाले बैठते हैं खाना खाने के लिए और सब इसी तरीके से प्रॉपर अच्छे से खाना खाते हैं तो अभी का आज का यही शाम तक इतना ही व्लॉग है कल आप नेक्स्ट वीडियो में देखें तो आज का व्लॉग में यही एंड कर रही हूं मैं इसलिए एंड कर रही हूं बिकॉज ब्लॉग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाना था कल आप देखोगे जागरण कैसे हुआ और क्या क्या जागरण में हुआ अभी मैंने आपको इतना बता दिया तो थोड़ा सब्र कर लो कल के ब्लॉग के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ही लंबी वीडियो हो जाए वो फिर स्किप करते रह जाओ तो मैंने सोचा चलो दो पार्ट में बना लेते हैं वीडियो तो जागरण वाली वीडियो कल आएगी और उसको ज़रूर देखना आप लोग तो बस इतनी सी वीडियो थी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर ज़रूर करें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें अगर आप मुझे कमेंट्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरे काम को प्रोत्साहन करते हो मुझे मतलब पुश कर रहे हो आप आगे को और अच्छी अच्छी वीडियो लाओ रवीना हम तुम्हारे साथ हैं तो चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ नए आइडियाज़ के साथ वही वाली वीडियो लेके आऊंगी कल मैं आपके लिए जगराते वाली तो बस थोड़ा सा इंतजार रखो कल का वेट करो कल मैं आपके सामने फिर से आऊंगी तो चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर गुड नाइट